हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आपके बालों पर आप कंडीशनर कैसे सही तरीके से लगा सकते हैं, ये वाली कंडीशनर जो शैम्पू के बाद लगाया जाता है। कंडीशनर लगाने से आपके बाल कैसे सिल्क और शाइन और सुलझे हुए रहते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कंडीशनर लगाने का सही तरीका। कंडीशनर लगाना बहुत आसान नहीं है। सामान्यतः कंडीशनर के बारे में बहुत लोग यह सोचते हैं कि बालों पे शैम्पू के बाद एक किस्म की क्रीम लगा लो, बस समझ लो हो गई बालों की कंडीशनिंग। जबकि सच्चाई है कि कुछ और है। कंडीशनिंग करने से पहले कई चीज़ें करनी पड़ती है। इसका फ़ायदा तभी होता है जब बालों को इसे सही तरीके से लगाया जाए। हेयर टाइप, आपका हेयर टाइप के अनुसार आपको कंडीशनर का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ऑयली बालों के लिए अलग कंडीशनर होता है, ड्राई बालों के लिए कंडीशनर अलग होता है। आप अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे आपके बालों को नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने बाल के प्रकार के अनुसार ही प्रोडक्ट का चुनाव करें। त्वचा का भी ख्याल रखें। अगर आप बालों में शैम्पू कर रहे हैं तो सिर्फ बालों की ऊपरी सतह पर न धोएं, बल्कि सिर की त्वचा भी बहुत अच्छी प्रकार से धोएं। इससे त्वचा पर शैम्पू अच्छे से साफ कर देगा और बालों की एक तरह की कंडीशन देने के लिए दूसरे दिन आप तेल लगा सकते हैं। इसलिए सर की त्वचा का भी अच्छे से साफ होना ज़रूरी है। थोड़ा मसाज, थोड़ी धूप। बाल धुलने के तुरंत बाद सूरज की तपती और कड़क धूप में बिल्कुल न जाए। हाँ, अगर हल्की धूप हो तो आप थोड़ी देर धूप में रखकर बाल सुखा सकते हैं। बालों को नारियल तेल से मसाज करने के बाद ही धोएं, इससे बालों को अच्छी तरीके से कंडीशनिंग होती है। तो ये थे कुछ अपने बालों को अच्छे से कंडीशन करने के टिप्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जितने हो सके जो है वीडियो को शेयर कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।